तो भाई बारिश बहुत हो रही है, मेरी हालत आप देखो, बट मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ एंटरटेनमेंट का डोज। तो आज हमारे साथ है दिल्ली के बेस्ट क्लब क्रिकेटर्स, बहुत ही मस्त बंदे हैं। तो उनसे हम आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिनके बारे में ना ज्यादा बात नहीं होती। हमने सुना कि आपने कुछ एक्रोनिम्स छोटे छोटे नाम बना रखे हैं जिससे क्रिकेटर्स को आप इरिटेट करते हैं। क्रिकेटिंग एक वर्ड है कत्ती, मतलब एज लगना। तो जब भी उसकी एज लगती है तो वो पॉइंट हम बहुत नोट करते हैं और उसी पे उसको चढ़ाते रहते हैं। जैसे कोई मैं कीपिंग कर रहा हूँ, कोई बैट्समैन है, मतलब ट्राई कर रहा है, नहीं लग रहे हैं, एज लग रहे हैं, उसको हम कत्तीमान साहब बोलते हैं। तो ये थोड़ा वृद्धिमान साहब से थोड़ा राइम कर जाता है और इन दी एंड वो या तो खड़ी कर देता है या फिर आउट मार्केट के चला जाता है। और ऐसे कत्ती किंग भी बोलते थे किसी किसी को। सर आपका कोई फेवरेट एम्पायर जो बहुत ही फनी हो, बहुत ही वियर्ड हो? बिली बाउडन, मतलब मेरे को बहुत जेन्युइन लगते हैं वो, मैंने उनके डिसीजन वगैरह देखे हैं। विदाउट एनी डाउट बिली बाउडन, तो उनके जो आउट देने का तरीका, देने का तरीका बहुत पसंद था मेरे को। एंटरटेनिंग मतलब सिर्फ प्लेयर्स नहीं हो, अंपायर भी कुछ अपनी कोशिश करते हैं उनका सीख देने का स्टाइल। सारे बॉलर्स जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा अपील करने में विश्वास रखते हैं चाहे वो आउट हो या ना हो। तो कोई ऐसी पागलपंती किसी बॉलर की आपने देखी होगी, यार ये क्या देख लिया? साकिब अल हसन की एक अपील थी, मतलब बिल्कुल, मतलब मुझे पसंद नहीं आई। बीच में भी कोई शायद बांग्लादेश का कोई टूर्नामेंट चल रहा था, उन्होंने विकेट वगैरह उखाड़ के फेंक दी थी। ए, याद है श्री शांत का, वो काफी गुस्से वाले थे, वो शॉर्ट टेम्पर्ड प्लेयर थे, काफी अच्छे प्लेयर थे। तो उनको एक बार मतलब अंपायर आउट ही नहीं दे रहा था जबकि वो आउट था, लास्ट में वो विकेट पे अपने हाथ मार रहे थे। ऐसी अपील तो कभी नहीं करी, लेकिन हाँ पैर से जरूर बोलता है, यार भाई ये तो भाई तो नहीं सर बोलते हैं, मैंने सर ये तो क्लियर आउट था, इसको तो दे देते कम से कम। तो कभी कभी हम पैर से मेरे को जवाब भी आया है कि यार उसको तो खेलने दे कम से कम, वो पहला मैच खेल रहा है अपना। थैंक यू।